की बात देखो, हेलो इधर समझो बच्चों, cos phi बराबर हो गया r by z है ना। अब देखो यहां ध्यान से सुनो, अगर आप प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हो, प्योर प्रतिरोधी सर्किट की, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू किसके बराबर होती है? आर के, आर के बराबर। तो कॉस फाइव बराबर आर ऊपर और आर नीचे, यानी कॉस फाइव बराबर कितना? एक। कॉस फाइव बराबर एक, समझ में आया? यानी फाइव बराबर कितने डिग्री? जीरो डिग्री। वैसे भी देखा था अपन ने, शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ में जो एंगल ऑफ फेज होता है, कालांतर जो होता है कितना होता है? जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। जिसको हम बोलते हैं हम साथ साथ हैं। yes, आया समझ में नहीं आया? yes, sir. आ गया ना? yes, क्लियर है? yes. अब देख लो भाई, तो यहाँ पर ये जो है इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, यानी शक्ति गुणांक कितना है? इकाई। शक्ति गुणांक कितना है? इकाई। इकाई, समझ में आया? yes, sir. अगला देखो, एक केस ये देख लिया आपने, तो इस केस में अगर आप प्योर आर के लिए, अगर आप प्योर आर के लिए अगर आप निकालोगे पावर, एवरेज पावर, क्या निकालोगे? एवरेज पावर प्योर आर के लिए क्या निकलेगी? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव कितना निकला? वन। तो आंसर कितना आ गया? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। बोलो हाँ ना। अब चलो निकालो प्योर एल के लिए, किसके लिए? प्योर एल के लिए। एवरेज पावर प्योर एल के लिए बराबर वी आर एम एस इंटू क्या? आई आर एम एस। प्योर एल में वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना होता है? कितना होता है? होता है कि नहीं होता? हाँ, यानी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 कितना? जीरो। मतलब आंसर कितना? जब कॉस फाई लेंगे ना। हाँ तो बेटा, कॉस फाई की जगह फाई कितना आया? सर एवरेज वाला फाई लेंगे ना, जो फाई है। क्या बात कर रहे हो, प्योर एल पढ़ रहे हो भाई? प्योर एल, प्योर एल, आर एल नहीं, प्योर एल। समझ में आया ना? प्योर एल में ऊपर वोल्टेज चलता है, नीचे ये चलता है। हाँ, एंगल कितना है? 90। समझ में आया? तो आंसर कितना हो गया? जीरो। समझ में आया? मतलब एक चक्र में सर्किट के द्वारा यूज की गई शक्ति कितनी है? जीरो। आया ना? शक्ति जीरो है, मतलब शक्ति जीरो। शक्ति यूज हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। और शक्ति को किसमें नापते हैं? वाट। वाट, तो जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, जीरो वाट मतलब वाट है कि वाट लेस है? वॉटलेस है। क्या बोलेंगे? वॉटलेस। तो भाई साहब, इस स्थिति में जिस समय दोनों का फेज एंगल कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो, किसी भी प्रकार की शक्ति सर्किट में जाएगी नहीं। मतलब प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर एल सर्किट, प्योर शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में किसी भी प्रकार की शक्ति का गबन नहीं होता। आई बात समझ में? अगला देखो प्योर सी। अगला क्या देखो? आई बात समझ में? प्योर सी। हेलो। हाँ भाई, तो फिर से एक बार बता देते हैं, है ना भाई। प्योर आर कॉस फैक्टर पावर फैक्टर इक्वल टू आर बाई जेड। जेड की वैल्यू आर ले लो, आर अपॉन आर इक्वल टू कितना हो गया? वन। फाई बराबर कितने डिग्री? जीरो डिग्री। दूसरा देखो भाई, प्योर आर सर्किट के लिए एवरेज पावर इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई की वैल्यू कितनी? वन। तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस हो गया कॉस फाई की वैल्यू वन रखने पर। और अगर प्योर एल की बात करोगे, प्योर प्रेरकीय परिपथ के लिए, पी एवरेज पावर बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस 90। कॉस 90 का मान कितना? जीरो। प्योर कैपेसिटिव के लिए भी आपको पता होगा वोल्टेज ऊपर और करंट नीचे। हाँ या ना? नहीं, उल्टा बोल गया। करंट आगे रहती है और वोल्टेज कितना? पीछे। हाँ या ना? वोल्टेज करंट लीड करती है, अग्रगामी होती है। तो फिर से, मगर एवरेज पावर पी आर एम एस इक्वल पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। एंगल देख बेटा, एंगल कितना है? 90. बस यहाँ एंगल काम का है। कॉस 90 बराबर कितना? मतलब शुद्ध प्रेरक में और शुद्ध धारिता में, शुद्ध संधारित्र में किसी भी प्रकार का पावर का गबन नहीं होता। एवरेज पावर कितनी होती है? खींचो फोटो। समझ में आया कि नहीं आया? yes, चलो क्लियर है। चलो देखो, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं एसी वाली एक कंडीशन, जिसका नाम था रेजोनेंस वाली कंडीशन। कौन सी वाली कंडीशन? रेजोनेंस वाली कंडीशन। ये देखो भाई साहब, रेजोनेंस वाली कंडीशन देखो। आपको याद है कि LCR सर्किट जब मैंने आपको पढ़ाया, उसमें XL बराबर XC हो गया था कि नहीं हुआ था? और Z का मान किसके इक्वल हो गया था? R के इक्वल। तो यहाँ पर cos phi निकालते हैं। cos phi बराबर R बाई कितना? Z। तो R तो R था, और यहाँ पे कितना? Z भी कितना हो गया? R से R कैंसिल, कितना हो गया? 1। यानी cos phi बराबर कितना? Phi बराबर कितने डिग्री? 0 डिग्री। हाँ या ना? cos phi बराबर कितने डिग्री? 0 डिग्री। और cos phi बराबर 1 हो गया।
तो चलो भाई एवरेज पावर, फिर से एवरेज पावर इक्वल टू वी आर एम एस इन टू आई आर एम एस। बताओ कैसी लग रही है, अधिकतम लग रही है कि न्यूनतम लग रही है? अधिकतम, क्योंकि न्यूनतम कितनी हो चुकी है? जीरो, और अधिकतम कितनी? वी आर एम एस इन टू आई आर एम एस। इसका मतलब जो ट्यू सर्किट होता है, जो कौन सा वाला अनुनादी परिपथ, कौन सा परिपथ, उस पर भी जो पावर डेसिपेट होती है, जो पावर का गबन होता है, वो क्या होता है? अधिकतम। क्या होता है? अधिकतम। हाँ बिल्कुल, है ना, और होना भी चाहिए ना, क्योंकि मैंने कल पढ़ाया था कि अनुनाद की स्थिति में जो एलसीआर परिपथ होता है किसके जैसे काम करता है? प्रतिरोधी परिपथ के जैसे, क्योंकि एक्सएल और एक्सी क्या हो जाते हैं? हाँ नहीं, होता ही है, हाँ होता ही है। अगर क्वाइल लगाओगे और वो लगाओ प्रेरक लगाओगे तो होएगा ही। आ गया ये समझ में? चलिए तो ये हो गया आपका फिनिश, नोट कर लो इसको जल्दी से, पढ़ा रखिए। लियो भाई साहब, अगर एक्सएल एक्सी आपका बराबर नहीं है तो लियो यहाँ तक आएगा, यहाँ आएगा वी एल माइनस कितना, और यहाँ कितना आएगा वी आर, बोलो हाँ। अब ऊपर की तरफ टूट रहा मतलब कौन डोमिनेट कर रहा है? एल, तो भैया एंगल ऑफ फेज ऐसा बनेगा, देखो लीड कर रहा है, पढ़ाया तो था, है ना। और अगर नीचे की तरफ लीड करेगा तो एंगल ऑफ फेज नेगेटिव बन जाएगा, मतलब सर्किट किसका पौवा देगा? कैपेसिटर का। किसका? किसका, किसकी दादा चलेगी? कैपेसिटर की। और इधर किसकी चलेगी? इंडक्टर की, यानी क्वाइल की, है ना। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।